अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद रैनीज किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राइड चाप बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी ये बनती हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको लेना है चाप और ये इस तरह से देख सकते हैं दिखती हैं। तो इन चाप्स को मैंने एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी मैंने रख दिया है नीचे कुछ टीस्पून्स, और इसके बाद मैंने इसमें चाप्स ऐड कर दी हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, और अच्छे से इसे हिला देंगे एक बार जिससे ये जो जिंजर गार्लिक का अरोमा है ये पानी में चला जाए और इसके बाद चाप अच्छे से कुक हो सके। अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 6 से 7 विसल्स तक पकाएंगे। प्रेशर लूज़ हो चुका है, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चाप से अच्छे से कुक हो गई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको चाप किस तरह से कुक करनी है। इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि आप जब इसमें अपनी फिंगर को इंसर्ट करें तो ये आराम से चली जाए, तो इस तरह से चाप्स होनी चाहिए। और ये अब मैंने प्रेशर कुकर से इसे बाहर निकाल लिया है और वो जो पानी था आप उसे यूज़ कर सकते हैं कई सारी रेसिपीज़ में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इन चाप्स को मैंने अलग कर लिया है क्योंकि आज हम ड्राई चाप्स बनाने वाले हैं तो पानी का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून बेसन यानी ग्राम फ्लावर, और इसके बाद मैंने इसमें राइस फ्लावर ऐड कर दिया है यानी कि चावल का आटा, जिससे हमारी चाप्स क्रिस्पी बने। और अब ये मैंने लिया है पोहा और इसे मैंने इस तरह से पानी में सोक करने के लिए छोड़ दिया है, और जब ये सोख हो जाएगा तब हम इसे यूज़ करेंगे। अब मैंने इस मिक्सचर में ऐड कर दिया है सॉल्ट और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, और इसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। साथ में ही मैं इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करूँगी और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूँगी जिससे एक अच्छा सा कलर आ जाए इसमें, और यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर यूज़ किया है। आप चाहें आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हल्का सा पोहा को इस तरह से घुमा लेंगे पानी में, मिक्स कर लेंगे जिससे कि अगर इसमें कोई भी डर्ट वगैरह हो तो वो अलग हो जाए। और इसके बाद हम पोहा को इस तरह से निचोड़ कर हाथ के बीच में प्रेस करते हुए फिर हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा चाहिए। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हुए, जितने पानी की ज़रूरत है हमें कोटिंग कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, तो मैंने थोड़े से पानी में इसे इस तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं ये दरदरा सा हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है और अब मैं इसमें एक एक करके चाप्स को इस तरह से कोट करूँगी और इसके बाद मैं इसे एक प्लेट पर रख लूँगी। तो आपको अच्छे से इसे कोट करना है, जितना प्रॉपर आप इसे कोट करेंगे आपको खाने में उतने ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो इस तरह से कोट कर देने के बाद मैंने इसे एक प्लेट पर निकाल लिया है और इसी तरह से बाकी सारे रेडी कर लूँगी मैं और इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी चाप्स हमारी रेडी हो गई हैं और बस अब मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देना है, मैं इसे फटाफट से ऐड कर देना है ऑयल में। लेकिन अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसे इस तरह से मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं और इसके बाद जैसे ही आपके गेस्ट आ जाएं आप इसे फटाफट से फ्राई करके भी सर्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे फौरन ही खाना चाहते हैं तो आप इसे तुरंत खा सकते हैं, और अगर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप कुछ देर बाद भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट से पैन में ऑयल को हीट कर लिया और एक एक करके ये चॉप्स को इसमें ड्रॉप कर दिया है। अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आने तक के हम इसे फ्राई करेंगे या जब तक कि इसकी आउटर लेयर क्रिस्पी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत प्रॉपरली ये कुक हो रहे हैं। मैंने फ़्लिप करके आपको दिखाती हूँ, बैक साइड से इसमें बहुत प्यारा सा एक कलर आ गया है गोल्डन सा, और आप बहुत ही केयरफुल रहें जब इसे आप फ्लिप करें क्योंकि ऑयल ड्रॉप्स आपके ऊपर भी स्प्लिट हो सकती हैं। तो इस तरह से मैंने इन सभी चाप्स को पलट देना है और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से कुक करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए।
गाइज़, ये रेसिपी बहुत ही पसंदीदा होती है सभी लोगों की और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अभी तक इसे अपनी किचन में नहीं बनाया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इन्हें हम इसी तरह से 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये चाप से बंदर तक के फ्राई हो गई हैं और बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हैं। तो अब मैं इन्हें बाहर निकालूंगी ऑयल में से, और आप चाहें आप इसे टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है तो मैं इसे नॉर्मल प्लेट पर ही निकालूंगी। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये ग्रीन चटनी के साथ। तो मैंने भी इसे ग्रीन चटनी और रॉ अनियन के साथ सर्व किया है। आप भी इसे इंजॉय करें, खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। गाइस, मेरी आज की रेसिपी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। गाइज, मेरी आज की रेसिपी में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।